इंडियन आर्मी को नया सेना प्रमुख मिल गया है। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जनरल पांडे ने साउथ ब्लैक में एक ब्रीफ सेरेमनी में जनरल नरवड़े से पदभार ग्रहण किया। वर्तमान जनरल एमएम नरवड़े के सेवानिवृत्त होने के बाद पांडे देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने हैं। नरवड़े शनिवार को रिटायर्ड हो गए हैं। जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं जिन्हें सेना प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले जनरल पांडे वाइस चीफ का कार्यभार संभाल रहे थे। जनरल पांडे ने 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। हालांकि इसके 3 महीने बाद ही उन्हें सेना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वो थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। पांडे को 24 दिसंबर 1982 को भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। जनरल पांडे ने ऐसे समय में थल सेना की कमान संभाली है जब भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चुनौती सहित असंख्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। सेना प्रमुख के रूप में उन्हें थिएटर कमांड को तैयार करने की सरकार की योजना पर नौसेना और वायुसेना के साथ समन्वय करना होगा।